हाय दोस्तों, आज मैं हूँ करण अर्जुन का गांव यानी कि बीलवाड़ी में, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ करण अर्जुन का घर कैसा दिखता है। आज वो घर 30 वर्षों बाद भी उस घर को कैसा आज बना हुआ है उसको दिखाने वाला हूँ। आप सामने देख सकते हैं, ये करण अर्जुन का घर है। और दोस्तों, फिल्म में इस घर को बहुत अच्छे से दिखाया गया था, और फिल्म में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें शाहरुख खान और जो सलमान खान होता है यानी करण अर्जुन, दोनों इस रास्ते से आते हैं। और ये जो डंडा है, और इधर भी एक डंडा बना हुआ था परंतु तो अभी निर्माण हो गया, इसको कूद करके अंदर जाते हैं। उनकी जो माँ है वो अंदर खड़ी होती है, यानी कि राखी अंदर खड़ी होती है, उसके पैरों में गिर करके दोनों अपनी अपनी जीत की बातें करते हैं। और दोस्तों, इसी घर में कई सीन दिखाए गए थे, परंतु एक सीन और दिखाया गया था जहाँ सामने ममता खड़ी होती है, और इस स्थान पर जो ये स्थान है यहाँ पर राखी यानी कि करण अर्जुन की माँ और मुंशी उसके साथ यहाँ खड़ा होता है, और यहाँ पर वो जो बात करते हैं वो सीन यहाँ पर दिखाया गया था। दोस्तों, ये करण अर्जुन मूवी का वो घर है, यानी कि करण अर्जुन का वो घर है जो कि दिखाया गया था करण अर्जुन मूवी में, जो कि बीलवाड़ी गाँव में स्थित है। दोस्तों, बीलवाड़ी गाँव के कई सीन उस मूवी में दिखाए गए थे। दोस्तों, आप अच्छे से निहारिए इस घर को, क्योंकि हो सकता है शायद ये घर दोबारा आपको देखने को मिले या ना मिले, क्योंकि ये एक ऐसी धरोहर है जो करण अर्जुन मूवी में इस घर को सौभाग्य मिला कि ये करण अर्जुन का घर हुआ करता था। यहाँ करण अर्जुन रहते थे, उनकी माँ इस स्थान पर रहती थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो, जो कि हमने आपको करण अर्जुन का वो घर दिखाया 30 वर्षों बाद, कैसा दिखता है ये घर कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और करण अर्जुन की जो शूटिंग लोकेशन है वो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर जा करके देख सकते हैं।